अब बात सीएम योगी की, जो उत्तराखंड से लौटने के बाद लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में दौरों पर हैं। इस दौरे की बात करें तो अयोध्या थे और आज दो जिले हैं जहां दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज झांसी और ललितपुर जाकर विकास कार्यों को देखेंगे, इसके साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी मध्य प्रदेश की दतिया में माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद लेंगे। दतिया में दर्शन पूजन के बाद वो झांसी आएंगे, वहां गुलाराम में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। झांसी के बाद उनका ललितपुर जाने का कार्यक्रम है। तो देखिए, आज बुंदेलखंड दौरे की तस्वीरें आएंगी और इसकी शुरुआत माँ पीताम्बरा के दर्शन से करेंगे। सीएम जो कि एमपी में दतिया में मौजूद है, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो झांसी आएंगे। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का, जो कि झांसी में मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं से जो जुड़े ऑफिसर्स हैं वो इस तैयारी में हैं कि सीएम आने वाले हैं। रतीश, देखिए बिल्कुल, पहले अपने मंत्रियों को मंडलों पर भेजा और उसके बाद जानकारी निकाली कि समीक्षा की कि जो विकास परक योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कहां तक पहुंची हैं और क्या कमियां हैं। इसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर अपने दौरे को लगा रहे हैं। अयोध्या से इसकी शुरुआत की गई और अयोध्या के बाद आज झांसी और ललितपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 2:40 पर लखनऊ से उड़ करके और 3:50 पर झांसी पुलिस लाइन पर उनका हेलीपैड उतरेगा और उसके बाद सीधे 4 वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेने के बाद कि जिले में मंडल में क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसके बाद वो अधिकारियों के संग बैठ करके समीक्षा करेंगे। झांसी में आज समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद रात्रि विश्राम भी आज झांसी में होगा। उसके बाद कल वो सुबह मध्य प्रदेश दतिया जाएंगे और उसके बाद ललितपुर झांसी में पेयजल की एक योजना को देखने के बाद उसका निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ललितपुर के दौरे पर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ललितपुर पिछले दिनों और विपक्ष ने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को काफ़ी घेरा था। इस दौरे पर मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि अधिकारियों के पेच कसे जाएंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में ना आए, जो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होती हैं। फिलहाल स्थलीय निरीक्षणों का दौर और जो विकास परक योजनाएं हैं उनका फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं ज़मीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड पर उतर रहे हैं और आज झांसी और कल ललितपुर के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद कल दोपहर में वो लखनऊ की तरफ रुख करेंगे। लेकिन साफ तौर पर अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, इस तरीके के दावे किए गए हैं कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ज़मीनी हकीकत के जानने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में झांसी मंडल के जो अधिकारी हैं वो अपनी तैयारियों को लेकर के बैठे हैं। चूँकि बुंदेलखंड का इलाका है, पेयजल की बड़ी समस्या रहती है। सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उसने तमाम उपाय किए हैं ताकि पेयजल और बेरोजगारी की समस्या को वहाँ पर रोका जा सके यहाँ पर, लेकिन इनका कितना, सरकार की योजनाओं का कितना फल और लाभ मिला है लोगों को, ये जानने की हकीकत आज मुख्यमंत्री झांसी में करेंगे। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, वक्त वक्त पर आपसे तस्वीरें और जानकारी दोनों हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया रतीश।